नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ में शिवांगी। पीस न्यूज बुलेटिन में देखें आज माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में राज्यों की भूमिका पर चर्चा, स्पोर्ट्स विंग का आयोजन। गुरुग्राम में महिलाओं के लिए योग एवं उसकी उपयोगिता पर एक दिवसीय कार्यशाला, आयुष मंत्रालय, ब्रह्म कुमारीज और इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी का संयुक्त आयोजन। हैदराबाद के शांति सरोवर में समर कैंप का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री केरोसैया ने की शिरकत, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना सह कई बच्चों ने लिया लाभ। राजस्थान के सुजानगढ़ में नए भवन के लिए भूमि पूजन, अतिथियों ने दी शुभकामनाएं, कहा ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करेगा यह भवन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सामूहिक मेडिटेशन, ब्रह्म कुमारीज, पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे अनेक संस्थाओं ने की सहभागिता। हरियाणा के पानीपत में स्वस्थ जीवन शैली कार्यशाला एवं रक्तदान शिविर, गुजरात के नवसारी में भी लोगों को बताया राजयोग का महत्व। और श्रीलंका के कोलंबो में तमिल न्यू ईयर सेलिब्रेशन में मुख्यालय से बीके डॉक्टर निर्मला ने की शिरकत, जाफना, बैटिका, लोआ और कैंडी में भी कई कार्यक्रम हुए आयोजित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं माउंट आबू में आयोजित स्पोर्ट विंग की खबर से। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में खिलाड़ियों के उच्च प्रदर्शन में राज्यों की भूमिका विषय पर शिविर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव राजीव मेहता, वडनगर से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कमलेश एच त्रिवेदी, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली से भरत सिंह एस धाबी, खेल प्रभाग के अध्यक्ष बीके शशि, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जगबीर की उपस्थिति में शुभारम्भ हुआ। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, आप जो पधार तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। ये एक ऐसी संस्था है, धार्मिक एक ऐसी मात्र संस्था है जो यूनो में अपना स्थान है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तित करने के लिए आध्यात्मिक रूप से समग्र विश्व को जोड़ने का भी एक प्रयास इस संस्था के द्वारा ही होता है। इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्रह्म कुमारीज प्रोवाइडिंग अस द नेसेसरी इनपुट्स इन द योगिक अवेयरनेस, डेफिनेटली राजयोगा इज ऑफ द डे इज नॉट फार ऑफ वेयर वी कैन से विद प्राइड That Raja Yoga will help us. राज योगा से एक खिलाड़ी अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एनहेंस कर सकता है और जो कोच हैं वो अपने खिलाड़ियों के ऊपर ये राज योगा जब सिखाएंगे, आत्मा का परमात्मा से मेल, अपनी खुद की पहचान, मेडिटेशन, तो मुझे विश्वास है कि इंडिया गोल्ड ही लेके आएगा आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में। एक खिलाड़ी बनने के लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना बेशक अनिवार्य है, लेकिन एक खिलाड़ी से विजेता बनने के लिए मन का शक्तिशाली और बुद्धि का एकाग्र होना बेहद आवश्यक है। ऐसा कहना था वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज का, जो उन्होंने शिविर में आए लोगों को राजयोग के लाभ बता रहे थे। जो राजयोग यहाँ आपने सीखा है उसका एक मुख्य लक्ष्य है मन को पावरफुल बनाना और बुद्धि को बिल्कुल पॉजिटिव कर देना, जिसको हम नाम देते हैं डिवाइन कर देना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीके जगबीर ने लोगों को राजयोग द्वारा विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेडिटेशन में तो हमने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा को याद किया, परमात्मा से शक्ति ली। और विजुलाइजेशन में आप कोई भी इवेंट करने जा रहे हो, जैसे मान लो आप अपने अपने घरों से यहाँ आए और यहाँ आने से पहले ही आप विजुलाइज करो कि मतलब हम लोग वहाँ ट्रेन से जा रहे हैं। चार दिवसीय इस शिविर में जानकारों ने लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग, अ की ऑफ सक्सेस, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट, मैनेजिंग स्ट्रेस, द पावर विद इन जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। आपकी जिंदगी में आपको वो मिलता है जिस पर आपको यकीन है, व्हाट यू बिलीव
यू आर. आस्क द यूनिवर्स, आई वॉन्ट टू बिकम द चैंपियन. वहीं समापन सत्र में जानकारों ने कहा कि खेल से सिर्फ पदक प्राप्त ही नहीं होता बल्कि तन और मन स्वस्थ रहता है और खिलाड़ी की टीम भावना, सहयोग करना, चुनौतियों का सामना करना, हार को जीत में तब्दील करने की कला जैसी अनेक कलाएं विकसित हो जाती हैं। इन कलाओं की केवल स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यकता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर और इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुग्राम के पार्क प्लाजा में महिलाओं के लिए योग एवं उससे होने वाले लाभ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा सुषमा सेठ, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत की संयुक्त सचिव किरण पुरी, ब्रह्मा कुमारीज में महिला प्रभाग की अध्यक्षा बी के चक्रधारी, आईएमएस के अध्यक्षा डॉक्टर अलका माथुर उपस्थित थी. देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिल्म अभिनेत्री सुषमा सेठ ने कहा कि योग एक संगीत है और योग से हर प्रकार की शक्ति मिलती है. वहीं अन्य उपस्थित वक्ताओं ने भी योग के अभ्यास से तनाव के स्तर को कम करने व भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का आह्वान किया. योग इज लाइक म्यूजिक, इट हैज द रिदम ऑफ द बॉडी, इट हैज द मेलोडी ऑफ द माइंड, इट हैज द हार्मनी ऑफ द सोल, इट इज टोटल म्यूजिक, अ सिम्फनी. बहुत देर में योग आसन के बारे में जाना, लेकिन एक बार जब जान लिया तो ये भी जाना कि इससे केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं मिलती है, मानसिक भी मिलती है, आत्मिक भी मिलती है. आपकी पास्ट संस्कार नॉट ओनली ऑफ दिस बर्थ, ऑफ 84 बर्थ वी से इन ब्रह्म कुमारी, 84 बर्स के संस्कार हमारे कंडीशन हुए हुए हमारे अंदर. हम कहते ना, हम चाहते तो नहीं थे पर हम बोल गए. अपने अध्यक्षीय भाषण में बीके चक्रधारी ने कहा कि ज्यादातर लोग योग को शारीरिक आसन तक ही सीमित समझते हैं, जबकि योग से हम आत्मा और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं. अब जब तक हमने और आपने अपने को ये देह समझा हुआ है, तब तक हमारी मन की धरती शांत या शीतल नहीं हो सकती. मैं कितना भी ज्ञान का बीज डालूं, फलीभूत नहीं होगा. इसलिए जो मेडिटेशन राजयोग इस विद्यालय में बताया जाता है, उस राजयोग का फर्स्ट लेसन है नो दाई सेल्फ. इस मौके पर डॉक्टर मंजू गुप्ता, डॉक्टर निकिता समेत कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्त्री रोग, हार्मोनिक असंतुलन, डिप्रेशन और आहार संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा हर प्रकार का योग सिखाया. सो टुडे यू विल बी गिवन अ ब्यूटीफुल फीस्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू आर ऑल वेलकम टू अटेंड इट टिल इवनिंग. And it will be just a changed personality when you move out of this place. हैदराबाद के शांति सरोवर में 8th समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री के रुसैया, टीवी एंकर और निर्देशक ओमकार, साइकोलॉजिस्ट गंपा नागेश्वर राव और श्रीनिवास रेड्डी, कार्यक्रम के संयोजिका बीके सुमनलता ने कैंडल लाइटिंग कर किया, जहां बतौर मुख्य अतिथि मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री के रुसैया ने संस्थान के निस्वार्थ कार्यों को सराहा. చిన్నారి పిల్లలందర్ని 110 120 మందిని ఈ ప్రాంగణంలో కలుసుకొని మీ ఆసక్తిని తెలుసుకొని మీ శ్రద్ధ మీ కమిట్మెంట్ని తెలుసుకోవటం సంతోషం.
इस मौके पर साइकोलॉजिस्ट गंपा नागेश्वर राव और श्रीनिवास रेड्डी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया और जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त करने की सलाह दी। वहीं बी के सदस्यों ने राज्यों के अभ्यास से कैसे मन सशक्त और एकाग्र बनता है इसके बारे में बताया। रेपो भारत देश में भारत देश Definitely my country will change. My country will become number one in the whole world. ఆ వరల్డ్లో ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ చేయబోతుంది. ఎవరో కాదు ఈ పిల్లలే రేపన్నాడు. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్లకు చదువుతో పాటు సంస్కారం నేర్పించాలి. बच्चों के अंदर कलाओं का विकास करने के लिए इस समर कैंप में चित्रकला, रंगोली, डांस, गायन आदि कलाएं सिखाई गईं। व दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक विनम्रता, आपसी स्नेह, सहयोग एवं एकता जैसे गुणों की भी शिक्षा दी गई। इस दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए बड़ी संख्या में बच्चों ने लाभ लिया। ये भवन व्यक्ति को आत्मदर्शन कराएगा, अपनी पहचान कराएगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ संबंध जुड़ाने का कार्य करेगा। युक्त विचार वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के रानी के हैं, जो उन्होंने राजस्थान के सुजानगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज के आत्मदर्शन भवन के निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में व्यक्त किए। हिंदी में जीने वालों की संख्या अभी इतनी नहीं है, पर निश्चित रूप से सत्यता की विजय होगी और जो वास्तविकता है, सत्यता है, व्यक्ति उधर ही बढ़ेगा। इस खुशी के मौके पर माउंट आबू से बी के ललित और बीकानेर से आई सबजोन प्रभारी बी के कमल ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ है तो जल्दी ही भवन भी यहाँ बन जाएगा और वो भवन अनेक आत्माओं को अपना ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार परमात्मा का वर्षा दिलाने के निमित्त बनेगा। इस कार्यक्रम में SDM DD बकोलिया, समाज सेवी सुभाष वेदी, व्यापारी रमा जांगीर, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन संतोष बाबू इंदौरिया, गोपालपुरा के सरपंच सविता राठी एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुप्रभा ने जीवन में चारित्रिक रूप से सशक्त होना जरूरी बताया। वहीं महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भी समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मोटिवेशनल ट्रेनर विजय मेंडा, झूलेलाल स्कूल के डायरेक्टर महेश गुरुदासानी, डांस टीचर रॉकी शर्मा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के पुष्पा, बी के श्याम, बी के मंजीत एवं अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। 15 दिन तक चलने वाले इस कैंप में बच्चों को गायन, कला, गिटार बजाना व नृत्य के द्वारा स्वास्थ्य एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के तरीके, राजयोग, मेडिटेशन और डर से मुक्त रहने के तरीके सिखाए गए। इस कैंप में नेरल, टीटवाला समेत अन्य स्थानों से आए KG-1 से लेकर कक्षा 10वीं तक 1000 बच्चों ने सहभागिता की, जिन्हें जीवन में आवश्यक अनेक गुणों की शिक्षा दी गई। इसके साथ ही बौद्धिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। कैंप के अंतिम दिन बच्चों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया और पूर्व विधायक श्री कुमार आयलानी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जमनू पुरुस्वामी ने बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुंबई के भायंदर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग एवं 5 दिवसीय आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बोरीवली सबजोन प्रभारी बी के दिव्य प्रभा, नवघर पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश गेंजगे एवं TV सीरियल एक्टर राजेश शर्मा समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। वो सोच की शक्ति से
पॉसिबल होते, संभव होते हैं, लेकिन वो हमारे सोच में कितना निस्वार्थ भाव है, कितनी शुद्धि है, कितने शुभ भाव है, कितने श्रेष्ठ सोच है। सोचेगा नागरिक क्या अच्छा हॉर्लिक्स खाओ, बॉर्नविटा खाओ, च्यवनप्राश खाओ या अच्छा भाजी खाओ, उससे मेरा मन, मेरा तन और मैं विकसित होऊंगा। तो शहर में नागरिक ऐसा विकसित नहीं होता है। विकसित करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो ब्रह्म कुमारी से मिलेगा। कितना प्योरिटी है। म्यूनिसिपल ग्राउंड में लगाए गए इस मेले में बीके सदस्यों ने भारत के अनेक स्थानों पर विराजमान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक महत्व बताया। इस मेले का अवलोकन सावधान इंडिया एवं क्राइम पेट्रोल के इंस्पेक्टर इरफान खान, प्लेबैक सिंगर राजेश तिवारी, महापौर डिंपल मेहता समेत अनेक जानी मानी हस्तियों ने किया। के साथ जो वक्त देता है उसमें बड़ा सुकून मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें बुलाएंगे। हमें अपने मन की शांति के लिए एक 5 या 10 मिनट की शांति जहाँ अनुभव होती है, तो वो जगह ये है। यह जगह बहुत ही पवित्र है और हमारे मन की शांति का एक अच्छा स्वरूप है। आज के तनाव के जीवन में शांति मिलना, यही बहुत, मन की शांति मिलना एक बहुत जरूरी बात है। अब ले चलते हैं आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जहां पूरे नगर में शांति लाने के उद्देश्य से सामूहिक मेडिटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन ब्रह्म कुमारीज के साइबन गीता पाठशाला की संचालिका एवं मास मेडिटेशन फॉर पीस एंड हार्मनी कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया के प्रयास से शुरू किया गया, जिसमें पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, योग विद्याधाम, हास्य क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब एवं इनर व्हील क्लब समेत वनिता महिला मंडल ने बड़े ही रुचि से सहभागिता की और चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलाने में सहभागी बने। इस सामूहिक मेडिटेशन का शुभारंभ स्थानीय सेवा केंद्र से हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज राजेश्वरी ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज इतना बड़ा समूह एक साथ मिलकर शांति के प्रकंपन विश्व में फैला रहा है। वहीं बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने कहा कि यह संकल्प परमात्मा शिव द्वारा दिया गया है, जिसे पूरा करने की शक्ति भी वही दे रहे हैं। संकल्प आज हम संपन्न होने के लिए, सिद्ध होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, आत्म दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, वही वरदान, वही संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करने का वरदान खुद साक्षात परमपिता परमात्मा ने हमें दिया। सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात 21 जून तक चलेगा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से जुड़े बीके सदस्यों समेत अन्य समाज सेवी संस्थाओं के लोग अलग अलग स्थानों पर योग, ध्यान एवं राजयोग का अभ्यास करेंगे। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ से अविनाश ठोकर, आर्ट ऑफ लिविंग से राजेंद्र पाचे, हास्य क्लब से चंद्रभान भंडारी, साइबन गीता पाठशाला से डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, इनर व्हील क्लब से मधुबाला चौरडिया समेत 250 लोगों ने परमात्मा की याद में बैठकर शांति, प्रेम, सामंजस्य एवं एकता के वाइब्रेशन फैलाए। हरियाणा के पानीपत में स्वस्थ जीवन शैली कार्यशाला एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक महिपाल डाढ़ा, हरियाणा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, डॉक्टर जगजीत आहूजा, डॉक्टर पुष्पा आहूजा एवं डिवाइन ग्रुप की बी ग्रेड अधिकारी रोहिणी समेत ओम शांति भवन सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सुनीता विशेष रूप से उपस्थित थी। स्थानीय सेवा केंद्र एवं डिवाइन ग्रुप नर्सिंग डिवीजन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए इस कैंप में महिपाल डाढ़ा ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अवचेतन मन कभी गलत काम करने की आज्ञा नहीं देता है और यह संस्थान अवचेतन मन को जागृत करने का महान कार्य कर रही है।
वहीं मनोज अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान करके हम अनेक लोगों की दुआएं ले सकते हैं। इस दौरान बीके भारत भूषण ने संस्थान द्वारा डायबिटीज एवं हृदय रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और अनेक प्रकार के रोगों से बचने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की बात कही। इस कैंप में विधायक महिपाल डाढ़ा, बीके भारत भूषण समेत अन्य लोगों ने रक्तदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप करीब 72 यूनिट रक्त संचित किया गया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जहां योग और प्राणायाम जरूरी है, वहीं मन को स्वस्थ व खुश रखने के लिए राजयोग जरूरी है, जिसकी जानकारी देने के उद्देश्य से गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र के द्वारा योग व राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने कहा कि मन का स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर का स्वस्थ होना। इसके लिए उन्होंने राजयोग का अभ्यास कर मन को शक्तिशाली बनाने की बात कही। शरीर और आत्मा दोनों का तालमेल होना जरूरी है, दोनों का ही स्वस्थ होना जरूरी है, मन का भी स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। रोटरी क्लब में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में क्लब के प्रेसिडेंट अंकिता देसाई, सेक्रेटरी हितेश शाह, पत्रकार प्रदीप पांडे, वीरेंद्र मालविया वगैरह, एडवोकेट एंड सोशल वर्कर संतोष पंड्या समेत अन्य लोग मौजूद थे। अंत में बीके गीता को क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा शॉल उड़ाकर एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। राजस्थान के जयपुर सेवा केंद्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल कुमार जैन, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से DDO महेश शर्मा, राजीव विजय, परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, घनश्याम राठौर एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला समेत इनाया NGO के सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर वीडियोस के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को बचाने के लिए CPR ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने के उपाय बताए गए और अधिकारियों ने दुर्घटनाओं का शिकार न हो इसकी विधियां बताई। जिस वाहन में आप यात्रा कर रहे हैं उस ड्राइवर बाबत यदि आपको लगे कि ड्राइवर नशे में है, खतरनाक ढंग से सवारी बिठा रहा है, लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा है या गलत ओवरटेक कर रहा है, तो उसको टोकने में संकोच नहीं करें। अंत में सभी अतिथियों को बीके चंद्रकला ने ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया व राजयोग के अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र रखने तथा काफी हद तक दुर्घटनाओं में कमी लाने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक बंधुओं का सम्मान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने कहा कि हम सबको परिश्रम करने वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया थोड़ा सा धन भी जीवन में सुख और शांति का संचार करता है। स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बीके सरिता ने सभी श्रमिक बंधुओं को व्यसनों का सेवन न करने एवं समाज के प्रति जिम्मेवारियों का ईमानदारी से वहन करने की प्रतिज्ञा कराई। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे, सभी नशीले पदार्थ से दूर रहेंगे। पंजाब के बल्टाना सेवा केंद्र में हाउ टू मेक योर बेस्ट फ्रेंड विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से कंसल्टेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर सचिन परब एवं पुणे से डॉक्टर मनोज मथनानी विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस सेमिनार में डॉक्टर सचिन परब ने स्वस्थ रहने के तरीके बताए और स्वयं को सदा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखने की प्रैक्टिस कराई। वहीं डॉक्टर मनोज मतनानी ने कहा कि मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, जिससे हमें बातें जरूर करनी चाहिए। अंत में संस्थान से जुड़े लोगों ने भी शुभकामनाएं व्यक्त की और मन को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को जरूरी बताया।
अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के देहीवाला स्थित ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर पर तमिल न्यू ईयर मनाया गया। इस खास मौके पर संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर के निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला ने शिरकत की, जहां कोलंबो जोन के उपस्थित सैकड़ों बीके मेंबर्स को शुभकामनाएं दी गयी। देहीवाला में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अगले दिन बेटी कलाओं में कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर टी सरवन भवन, सचिव एम उथे कुमार समेत शहर के कई बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स शामिल थे, जिनसे बीके डॉक्टर निर्मला और बीके गणेश ने स्पेशल मुलाकात की। अगले दिन बीके डॉक्टर निर्मला ने इरवुड सेंटर में नए मेडिटेशन रूम का अनावरण किया। वहीं शाम को पसीकुड़ा स्थित आर्ट स्पिरिचुअल गैलरी में मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन वर्किंग लाइफ एंड फैमिली लाइफ पर कार्यशाला हुई, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लंदन में लेस्टर के हार्मनी हाउस में गुजरात के सिद्धपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय ने स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल विषय पर चर्चा की और बताया कि जिस परमात्मा को पूरे दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं, वो हमें आकर मिला है और श्रेष्ठ श्रीमद के द्वारा लाखों लोगों का जीवन खुशहाल बन रहा है। दुनिया को समझने, परिवार को चलाने का जितना भी हमारे पास ज्ञान है, उसके साथ साथ हम अपनी इन विकारों से, समस्याओं से, मुश्किलातों से अपने आप को कैसे मुक्त करें, वो ज्ञान मनुष्य में नहीं है। अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके इंदु ने सभी को राजयोग मेडिटेशन कराया। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए पीस न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।